नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमोह की ग्राम पंचायत आम चोपरा के रहवासियों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जल निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर डिप्टी कलेक्टर भव्य त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमन खत्री ने कहा कि जल निगम द्वारा पाइप बिछाने का काम दोषपूर्ण और घटिया स्तर का किया जा रहा है। इस अवसर पर पंडित मनीष तिवारी ने कहा कि जल निगम के द्वारा आम चोपरा में करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़कों को खोदकर जिस तरह पाइपलाइन डालकर करोड़ों की सड़कों का सत्यानाश किया गया, उसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। लोगों का चलना फिरना तक दूभर हो गया है, लोग आए दिन गिर रहे हैं। यदि जल निगम के अधिकारियों ने 15 दिन के अंदर स्थिति नहीं सुधारी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर परसों चौबे सरपंच जयपाल यादव सहित प्रमुख लोगों की मौजूदगी रही। ग्राम पंचायत आम चोपरा में टावर लगाए जा रहे हैं, सरपंच के साथ सभी लोग पंचायत के लोग आए हैं। उनका कहना है कि टावर लगाने से छोटे छोटे बच्चों को कई बीमारियों का सामना कर पड़ता है। जल निगम द्वारा पंचायती पूरी रोड है, करोड़ों की लागत से जो रोडें बनी थी पूरी उन्हें नाश कर दी। कहीं कहीं इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं कि लोग निकल नहीं पा रहे। वो सबसे बड़ी बात ये है कि जल निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को 10 नहीं 20 बार शिकायत की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई वहाँ देखने तक नहीं आया। विडम्बना की बात है, तो मजबूर हो के हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ आना पड़ा। और दूसरी चीज़ ये है कि रहवासी एरिया में एक टावर लग रहा है, स्थानीय लोग सब विरोध कर रहे हैं कि कोई कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। तो महोदय जी से निवेदन की उस कलेक्टर साहब से कि वो टावर के लिए वहाँ पर अनुमति ना दे। क्या माना जाए अगर जल निगम जल्दी से सड़क ठीक नहीं कराती तो आंदोलन होगा? बस उनको अल्टीमेटम 10-15 दिन का देंगे, फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन और चक्का जाम धरना सभी लोग सब करेंगे। दमोह से खबर समय जगत के लिए देवेश खरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।